नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद आपको दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। रोडवेज बस में फंदे से लटका मिला ड्राइवर का शव, बस में शव मिलने से प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू की। रौजा रेलवे जंक्शन पर बेपटरी हुआ इंजन, बोगियों से जुड़ने जा रहा था इंजन। रेलवे इंजन बेपटरी होने से रेलवे प्रशासन में मचा हड़कंप, घंटों मशक्कत के बाद पटरी पर लाया गया इंजन। पुणे क्षेत्र से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुआ था दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। निघोई में झमाझम हुई बारिश के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील, नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की खुली पोल, पानी का निकास बेहतर न होने के चलते हुआ जल भराव। कांट पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार, झारखंड से तस्करी कर पंजाब ले जा रहा था अफीम, पुलिस ने तस्कर से 1 किलो अफीम बरामद की गई। अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपये बताई जा रही। पुआया थाना क्षेत्र के गंगसरा से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में महिलाएँ और पुरुष एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। निहोई क्षेत्र में डग्गामार वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरें निहोई नगर की हैं। यहां डग्गामार वाहन चालक बीच सड़क पर अपना वाहन खड़ा कर सवारियां भरते हैं, ऐसे में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। तो वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकान के सामने वाहन खड़े होते हैं और वह उनमें सवारियाँ भरते हैं, जिसके चलते उनका व्यापार प्रभावित होता है। शाहजहांपुर में रोडवेज बस के अंदर ड्राइवर की फांसी पर लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक ड्राइवर रात को अक्सर बस के अंदर ही सोता था। मौत का कारण जानने के लिए फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड की है, जहां उत्तर प्रदेश रोडवेज की अनुबंधित बस में दूसरे साथी ड्राइवर ने बस के अंदर ड्राइवर की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी। लाश बस के अंदर हैंडल से लटकी हुई थी। मृतक का नाम अंकित बताया जा रहा है, जो कि अक्सर बस में अंदर ही सो जाता था। रोडवेज बस ड्राइवर के साथ कोई हादसा हुआ है या फिर उसने आत्महत्या की है, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर रौजा रेलवे जंक्शन पर बरेली शाहजहांपुर पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बरेली जाने के लिए ट्रेन का इंजन बोगियों से जुड़ने जा रहा था। इसी दौरान इंजन रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गया। रेलवे ट्रैक से इंजन उतरने से उस समय के लिए डाउन ट्रैक पर यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके बाद उसे शुरू कर दिया गया। वहीं इंजन को पटरी पर लाने के लिए रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद रेल इंजन को ट्रैक पर लाया गया। आज सुबह निघोई में हुई झमाझम बारिश के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील हो गया। दरअसल आज बारिश के सामने नगर पंचायत निघोई द्वारा की गई व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई, जिसके चलते लोगों को भरे हुए पानी के अंदर से गुजर कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचना पड़ा। तिलर में आज सुबह हुई झमाझम बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव हो गया। जलभराव के चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। दरअसल आज सुबह हुई बारिश के बाद यहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। यहां नालियां चोक होने की वजह से नगर के कई मोहल्ले और गलियों में पानी भर गया।
कांट पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किया गया तस्कर असद कांट थाना क्षेत्र के ही रावतपुर गांव का रहने वाला है। असद ने बताया है कि वह झारखंड से सस्ते दामों पर अफीम खरीद कर लाता था, जिससे वह यूपी, हरियाणा और पंजाब के साथ साथ कई अन्य राज्यों में सप्लाई कर मोटी कमाई करता था। फिलहाल पुलिस ने असद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।